अब देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक एड व्यू का ऑल आउट पेपर व्यू नहीं दिया है तो गाइज मैं तुम लोग को बता दूं, आज एड व्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर मीरो और पावर हाउस हॉब्स के बीच में एक जबरदस्त पावर मैच देखने को मिला। यहां पर मीरो और पावर हाउस हॉब्स के इस मैच के अंदर आज यहां पर मीरो और पावर हाउस हॉब्स दोनों एक दूसरे को अपने पावर शो ऑफ कर रहे होते हैं। यहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही दोनों के लॉकअप करने के बाद दोनों एक दूसरे को रिंग साइड एरिया पर ढकेलते गए। तो गाइज वहीं इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर जबरदस्त लैरियट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को डट डाउन करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज इसके बाद आज यहाँ पर इस मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स इस मैच के अंदर अपने टेक्निकल एबिलिटी का यूज करते गए, जहाँ पर पावर हाउस हॉब्स मीरो के लेग पर अटैक करते हुए मीरो को मैच में इंजर्ड करने की कोशिश करते गए। और गाइज इसके बाद इस मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स मीरो के ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक लगाते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर मीरो यहाँ पर फाइनली मैच के अंदर रिकवर करते गए, जहां पर मीरो की तरफ से हमें यहां पर जबरदस्त मचका किक देखने को मिलता है। और गाइज इसके बाद फाइनली मीरो उनका फिनिशर गेम ओवर लगाकर मैच को जीत जाते गए। बट गाइज यहां पर जैसे ही मैच ओवर होता है, पावर हाउस हॉब्स और मीरो एक दूसरे से हैंडशेक करते गए। और गाइज सबको लगता है कि हैंडशेक के बाद ये दोनों जाने वाले गए, तभी सडनली पावर हाउस हॉब्स एक बार फिर से मीरो पर अटैक कर देते गए। यहां पर पावर हाउस हॉब्स मीरो पर अटैक कर ही रहे होते गए, तभी यहां पर सडनली हमें AEW के अंदर WWE की फॉर्मर सुपरस्टार और मीरो की वाइफ लाना AKA CJ पेरी अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जो कि अरीना में आके हमें यहां पर मीरो को कन्फर्म करते हुए दिखाई देती गए। बट गाइस यहां पर मीरो अंदर लाना से बिना कुछ भी कहे अरीना से वॉकआउट कर जाते गए।